नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल पर केंद्र ने कसा शिकंजा, वित्त मंत्रालय ने लिखा प्रदेश सरकार को पत्र, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों में जमा करवाएं शेयर। तो 30 दिन में शेयर जमा करवाने का नोटिस दिया गया है और ऐसा ना करने पर 7% का ब्याज भी वसूला जाएगा। तो सरकार को करीब 9 करोड़ का बजट जारी करना होगा। वही केंद्र से जारी आदेशों के बाद सरकार की अब चिंताएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हिमाचल पर केंद्र ने शिकंजा कसा है, वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा और ऐसे में सेंट्रल की स्कीमों में अपने शेयर जमा करवाने के लिए कहा गया है। 30 दिन में शेयर जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया है और ऐसा ना करने पर 7% ब्याज भी वसूला जाएगा। तो सरकार को करीब 9 करोड़ का बजट जारी करना है और ऐसे में आदेशों के बाद सरकार की चिंता और भी बढ़ती नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही जो हिमाचल पर केंद्र ने शिकंजा कसा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीरुचि विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राज्य सरकार को अब 30 दिन में शेयर जमा करवाने के नोटिस दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, एक पत्र जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लिखा गया है राज्य सरकार को, हिमाचल को, और जिसमें साफ तौर पर, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है इसको पहले ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला है, यानी हिमाचल विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को प्राप्त है। लिहाजा अब विशेष राज्य के कारण हिमाचल प्रदेश की जो अगर हम अनुपात की अगर बात करें तो वो बेहद कम है, यानी 10% जो है वो अब हिमाचल सरकार को जो है वो केंद्रीय प्रोजेक्ट के लिए देना है और वही 90% जो है वो पैसा अब केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को मिलता है। लिहाजा कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन के अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात करें तो 2 बड़े प्रोजेक्ट की, एक शिमला के लिए, दूसरा धर्मशाला के लिए। तो इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर लगातार काम यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो अगर हम बल्क ड्रग पार्क की बात करें या फिर जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, इस तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट है उनको हिमाचल प्रदेश के लिए जरूर वो मिले हैं। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से आगे क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये दुविधा जो है वो जरूर है कि हिमाचल प्रदेश एक तरफ ये बात कह रहा है, जो राज्य सरकार लगातार ये बात कह रही है कि आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत नहीं है। लिहाजा अब इस तरह से जो बड़े प्रोजेक्ट हैं कहीं उनके ऊपर कोई रुकावट ना आ जाए, केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है, इस पत्र में साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि आप ये पैसा जो सेंटर जो फंडेड जो आपको जो चीजें रहेंगी उसी के अंदर आपको देना है, आप अपना पैसा किसी और प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो रह रही हैं, चल रही हैं और इसी बीच अब ये पत्र मिलने के बाद जो केंद्र सरकार की जो मंशा है वो यही है कि समय रहते और जो प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं वो धरातल पर उतर सके, इस चीज के लिए जो है ये पत्र यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी ये भी है जो समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर समय रहते, क्योंकि 30 दिन का समय जो है वो ये दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और 30 दिन के अंदर अगर अपना शेयर राज्य जो है वो राज्य सरकार अगर जमा नहीं करवा पाती है तो उसके ऊपर आपको 7% ब्याज जो है वो भी इस पर वसूलने की बात जो है वो कही जा रही है। लिहाजा अब जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पर उतरे और इसका काम जो है वो यहाँ पर शुरुआत इसकी जल्द से जल्द हो, इसी चीज को लेकर जो है ये तमाम चीजें की जा रही हैं। और अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के लिए भी 88 करोड़ के आसपास जो है वो बजट यहाँ पर अभी तक दिया गया है, जिसमें 9 करोड़ का जो अनुदान जो है वो अपनी तरफ से राज्य सरकार को, अब केंद्र सरकार को देना है। तो कुल मिलाकर अब जो सेंट्रल रिस्पॉन्स जो स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं इनके लिए जल्द से जल्द काम हो और जो पैसा आ रहा है वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर चले, ये मंशा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से है, इसीलिए इस तरह की बात जो है वो की जा रही है। और पत्र के जरिए जो है राज्य सरकार को ये चेताया गया है कि आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स पे आप काम किए और केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद बन पाएगी वो जरूर वहां से मिलेगी। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, देश भर से कांग्रेस नेता हुए शामिल, हिमाचल के कई कांग्रेस नेता भी महाधिवेशन में मौजूद। तो खड़गे ले रहे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, सीएम सुक्कू और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद, सलाहकार गोकुल बुटेल भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी महाधिवेशन में पहुंचे हैं।
तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताई जो आज कांग्रेस का प्रचार सेवा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया और ऐसे में हिमाचल के भी कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद हैं। खड़गे जो आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक ले रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सीएम सुक्कू और प्रदेशाध्यक्ष भी इस महाअधिवेशन में मौजूद है, इस बैठक में मौजूद है। सीएम के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल भी इसमें शामिल हुए हैं, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी महाअधिवेशन में पहुंचे हैं। तो हिमाचल के भी कई कांग्रेस नेता अधिवेशन में मौजूद हैं। बेहद अहम यह अधिवेशन माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल और ऐसे में कांग्रेस अब तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है जहां पर सीएम के आईटी सलाहकार भी मौजूद है, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी अधिवेशन में पहुंच रहे हैं। तो देश भर से कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। तो हिमाचल के भी कई कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम सुक्कू और प्रदेशाध्यक्ष भी अधिवेशन में मौजूद हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी अधिवेशन में पहुंचे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो हिमाचल के कई कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 3 दिवसीय यह अधिवेशन रहने वाला है जहां आज राष्ट्रीय अधिवेशन का पहला दिन है और ऐसे में जहां पूरे देश भर से कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में पहुंचे हैं। देश भर से कांग्रेस नेता इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल के भी कई कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में मौजूद हैं। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जो हिमाचल के शिमला स्थित रामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ मौके पर खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष ने खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मशाल सौंपी। इससे पहले बॉक्सिंग एसोसिएशन रामपुर के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में देश भर की 10 टीमों के आए 130 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की टीम में ओलंपिक और एशियाड खिलाड़ी आशीष चौधरी सहित रामपुर के 6 बॉक्सिंग खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत ही जो है एक मशाल इलाके में निकाल कर लगाई गई, जिसमें पूरे इलाके में नशे के खिलाफ जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया गया। ये बहुत सकारात्मक पहल है। इसके लिए मैं एसोसिएशन के लोगों को, साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में जिस तरीके का ये कॉम्पिटिशन करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत से राज्यों की टीमें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, इससे हमारे स्थानीय युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। जिला स्तर पर अलग अलग गेम्स के प्रोफेशनल कोचेस जो अभी एग्जिस्टिंग है उनको भी देखेंगे और उसमें अगर और भी हायर करने हो उसके लिए भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। वही कांग्रेस प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के फैसले का स्वागत किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचारी और बेईमानी के साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका है। बता दें कि करीब 20 साल पहले चेयरमैन कटवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सीमेंट प्लांट विवाद को सुलझाने के श्रेय लेने पर भी प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठा श्रेय लेने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है और वो बीमारी ये है झूठा श्रेय लेना, झूठ बोलना, गलत प्रचार करना। अनुराग ठाकुर की तो इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो जितना ये सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने का जो एक प्रकरण है, इस प्रकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। जो कि ये नाम का सिलेक्शन बोर्ड था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मर्जी के मुताबिक इसमें सिलेक्शन का काम जो था वो होता था। पेपर लीक हुए, सरकार के पास रिपोर्ट आई कि पिछले 5 वर्षों में जो इस बोर्ड के माध्यम से इम्तहान हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में कोई पेपर ऐसा नहीं था जो लीक नहीं हुआ, जो बेचा नहीं गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड को भंग करने का जो है वो फैसला लेगा। और मैं एक और नज़रिए से इसका स्वागत कर रहा हूँ। बोर्ड कर रहा था उस काम को पूरी पारदर्शिता के साथ अब कमीशन अंजाम देगा और अब जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे प्रदेश में कमीशन के भी होते हैं,
बोर्ड पर भी होंगे, उसमें किसी तरह की असुविधा जो है वो नौजवानों को और बेरोजगारों को नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को आलोचना करने की आदत है, मुद्दे बनाने की आदत है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो आज जवाब देने की आवश्यकता है कि इस बोर्ड को बंद करने की नौबत क्यों आई। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। समापन की ओर शिवरात्रि महोत्सव, बड़ी और अहम जानकारी, कल निकाली जाएगी अंतिम जलेब। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महोत्सव में देव दर्शन का दौर जारी है, राज्यपाल के आने पर संशय बना हुआ है। 191 देवी देवताओं ने इस समारोह में शिरकत की, वही डिप्टी सीएम समापन समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, समापन की ओर शिवरात्रि महोत्सव। वही मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शिवरात्रि का जो पर्व है, समारोह जो आयोजित किया गया था, वो अब समापन की ओर बढ़ चला है, ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? सात दिवसीय मंडी में जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है, अब जो है अब समापन की तरफ बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की बात की जाए तो 19 से जो 25 फरवरी तक मनाया जा रहा है यहाँ छोटी काशी मंडी में। इस बार जो आज जो है सांस्कृतिक संध्या है, अंतिम यानी छठी सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी, वहीं कल जो है अंतिम जलेब जो है निकाली जाएगी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की। और यह अंतिम जलेब में जो राज्यपाल है, प्रदेश के राज्यपाल है, वह शिरकत करते हैं। लेकिन इस बार जो अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है राज्यपाल ने अपना पदभार संभाला है, पहले जो है राजेंद्र अर्लेकर ने जो है समय दिया था, तो उसके उपरांत जो है अब नए राज्यपाल ने कार्यभार संभाला है, पदभार संभाला है शपथ ग्रहण समारोह के बाद। तो अभी तक जो है उनके आने पर संशय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है नए राज्यपाल जो है दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तो अभी उनके आने पे जो संशय बना हुआ है। कल जो है माधव राय की जो पालकी के साथ जो अंतिम जलेब निकाली जाएगी और कौन इसमें शिरकत करता है, अभी इस पर जो है पूरी तरह जो संशय बना हुआ है। जी बिल्कुल धर्मवीर, और ऐसे भी ये भी जानना चाहेंगे, कल जो है समापन समारोह होना है, कल इस पूरे समारोह का समापन हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ खास कल रहेगा, कौन कौन राज्यपाल के अलावा वहां पर मौजूद रहेंगे? जी, बात की जाए तो अंतिम जलेब में जो है जनपद के जो प्रमुख देवी देवता शिरकत करते हैं, राज माधव राय की पालकी जो है इसमें निकाली जाती है, और जो है पुलिस बैंड जो है होमगार्ड और पुलिस बल की टुकड़ी इसमें भाग लेती है। वहीं इसके उपरांत जो है जनपद के देवी देवता जो है जलेब में चलते हैं, और जो स्थानीय प्रशासन है और जो सरकार के जो नेता है वो भी इस जलेब में जो है शिरकत करते हैं साथ में, और पड्डल मैदान तक यह जलेब निकाली जाएगी, और वहां पे जो है जो मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है ध्वजारोहण कर जो है शिवरात्रि महोत्सव के मेले का आगाज किया था। तो इस दौरान जो है अगर राज्यपाल आते हैं तो समापन किया जाएगा, और यदि कोई अन्य नेता या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हैं तो उनके द्वारा जो है समापन समारोह की जो है अध्यक्षता की जाएगी इस अंतिम जलेब के बाद। जी बिल्कुल धर्मवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां कल शिवरात्रि समारोह का समापन होगा, तो वहीं राज्यपाल के आगमन पर अभी संशय बना हुआ है। वही सोलन में खादी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों के साथ झूठ की राजनीति और छल कर रही है, सरकार ने अभी तक गारंटियां लागू नहीं की, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। सरकार ने कहा था पहले कैबिनेट की बात, महिलाओं को 1500 रुपए मिलने लग जाएंगे, लेकिन अभी तक महिलाएं राह देख रही हैं। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा छलावा हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया है, लोगों को गुमराह करके ये सत्ता में आए हैं, और ऐसी ऐसी गारंटियां उन्होंने दी हैं, जैसे लोगों के घरों से गोबर उठाएंगे उसके बदले में पैसे देंगे, इसी तरह से हर महिला को 1500 रुपए देंगे ओपीएस, चाहे इस तरह की जितनी भी इनकी गारंटियां थी, सभी की सभी इन्होंने लोगों को छल करने की कोशिश की है, और उसके ऊपर ये बैठकर, उसे छल के ऊपर बैठकर सत्ता में आए हैं, और ये छल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एक्सपोज हुए हैं, और 2024 में इसका परिणाम इनके सामने आने वाला है।
बाद जंग का एक साल, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अभी भी जारी है। रुका है तो बस उन छात्रों का भविष्य जो यूक्रेन से लौट कर आए हैं। आलम यह है कि एक साल पूरा होने को जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच भारतीय सेना की ऑपरेशन गंगा के तहत भारत वापस लाए गए छात्रों में भी रोष देखने को मिल रहा है। भविष्य की चिंता के बीच डर सता रहा है कि इंडियन मेडिकल कमीशन इन छात्रों को मान्यता देगा या नहीं, और इन छात्रों का भविष्य क्या होगा, और ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो यह आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग है वो अभी भी जारी है, और ऐसे में कई छात्र वहां से वापस तो लौट आए हैं, लेकिन पढ़ाई पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। और अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि इंडियन मेडिकल कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अब आगे छात्रों के भविष्य का क्या होगा। पढ़ाई क्योंकि काफी प्रभावित हो चुकी है, और ऐसे में जहां कई महीनों से छात्र जो है वो ऑफलाइन पढ़ाई से दूर है, ऑनलाइन पढ़ाई वहां पर छात्रों को कराई जा रही है। हालांकि इंडियन मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक 56 महीने की ऑफलाइन पढ़ाई जरूरी है, और ऐसे में अब सभी छात्रों के भविष्य पर भी सवाल या निशान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी, और ऐसे में यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो युद्ध का एक साल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश का विशेष डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क में हिमाचल के प्रोटोकॉल अधिकारी की विशेष ड्यूटी लगी थी। छात्रों को दिल्ली से घर लौटने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा। हिमाचल के बच्चों के रुकने के लिए मुफ्त इंतजाम। तो भारत लौटे छात्रों के डर की वजह यह है कि नेशनल मेडिकल का काउंसिल विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एनएमसी की गाइडलाइन, मेडिकल छात्रों के लिए 56 महीने की ऑफलाइन पढ़ाई जरूरी। मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को एनएमसी की मान्यता जरूरी। युद्ध की वजह से नहीं हो पाए छात्रों के प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ना होने से एनएमसी की मान्यता पर खतरा। ऑपरेशन गंगा प्रोटोकॉल ना होने से एनएमसी की मान्यता पर खतरा बना हुआ है। 15,000 से ज्यादा बच्चों की वतन वापसी ऑपरेशन गंगा से कराई गई। हिमाचल के करीब 250 बच्चे यूक्रेन से लौटे। यूक्रेन में मेडिकल के छात्र थे ज्यादातर बच्चे। शिमला, सोलन, ऊना और कांकड़ा के बच्चे शामिल। यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी। ऐसे में जहां यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, लेकिन बच्चों के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन के मुताबिक 56 दिन की ऑफलाइन पढ़ाई जरूरी, और ऐसे में जहां कई महीनों से छात्र जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि जंग के बावजूद वहां पर जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं, और ऐसे में अब तक ये तय नहीं हो पाया कि कब जो है जंग खत्म होगी, कब छात्र वापस लौटेंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक साल हो चुका है, और ऐसे में यूक्रेन के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो हिमाचल के भी 250 छात्र यूक्रेन से वापस लौटे हैं, जिनकी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से कराई जा रही है। वही भारत लौटे छात्रों के डर की वजह है कि विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एनएमसी की जो गाइडलाइन है, मेडिकल छात्रों के लिए 56 महीने की ऑफलाइन पढ़ाई जरूरी है। तो मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को एनएमसी की मान्यता जरूरी है। युद्ध की वजह से छात्रों के प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाए हैं। अपना हिमाचल फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।